हेलो, मेरा नाम निशा है और होस्टिंगर इंडिया के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के 15 शानदार एसईओ टिप्स के बारे में। मैं श्योर हूँ कि आपने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई बार गूगल का यूज किया होगा। आपने नोटिस किया होगा कि सर्च रिजल्ट्स अलग अलग पेज में बटे होते हैं एंड यूजुअली हर पेज पर एड्स के अलावा 10 रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। हम इस इंडस्ट्री में इन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस या इन शॉर्ट सर्च्स कहते हैं। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने से आपकी वेबसाइट सर्च के पहले पेज पर आ सकती है, जो ज्यादा ट्रैफिक पाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में एसईओ पर ध्यान देने के कई और भी फायदे हैं, जैसे बेहतर ब्रांड क्रेडिबिलिटी, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस और कॉस्ट रिडक्शन टू जनरेट लीड्स एंड सेल्स। इसलिए आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए एसईओ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। याद रखें कि रातों रात एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना पॉसिबल नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा अपडेट और चेंज होते रहते हैं। अगर आप नई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, ये सब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड 15 एसईओ टिप्स आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखें तो उसमें रिलेवेंट कीवर्ड्स का यूज जरूर करें, ताकि आपके सर्च इंजन को समझ में आए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। आप ये कीवर्ड्स कीवर्ड सर्च के थ्रू देख सकते हैं। इसके लिए आप अपने मेन कीवर्ड्स को सर्च इंजन पर सर्च करें और फिर उसके रिजल्ट्स में आपको और भी रिलेटेड टर्म्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्नीचर सर्च करते हैं तो आपको फर्नीचर स्टोर या फर्नीचर रेंटल जैसे और भी कीवर्ड्स दिखाई देंगे। पॉपुलर टॉपिक्स और अपने ऑडियंस की सर्च इंटेंट समझने के लिए गूगल ट्रेंड्स या फिर HRF जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। एंड गूगल ट्रेंड दो या दो से ज्यादा टर्म्स को कंपेयर करने के लिए काफी अच्छा टूल है, और आप ये भी देख सकते हैं कि किस टाइम के दौरान लोगों ने उस टर्म को कितनी बार सर्च किया है। साथ ही HRF आपको डिटेल मैट्रिक्स दिखाता है, जैसे कीवर्ड वॉल्यूम और ट्रैफिक पोटेंशियल। ये फैक्टर्स आपको अपने कंटेंट के लिए सही कीवर्ड्स चूज करने में मदद करेंगे। उन सारे कीवर्ड्स की लिस्ट बनाइए जो आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल रखते हो। फिर उन्हें अपने वेबसाइट के कंटेंट में जितना हो सके उतना नेचुरली एंड स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करें, और बिना कॉन्टेक्स्ट या रीडेबिलिटी समझे किसी कीवर्ड का इस्तेमाल करने से आपकी वेबसाइट के SEO एंड यूजर एक्सपीरियंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एंड कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, इस पे हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाने का एक और तरीका है हेडर टैग्स का ठीक से इस्तेमाल करना। हेडर टैग्स में H1 से लेकर H6 HTML एलिमेंट होता है। H1 और H2 पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यूजुअली कंटेंट के टाइटल एंड लैंडिंग हेडिंग्स में इनका यूज किया जाता है। अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें इन टैग्स के साथ यूज करके अपने कंटेंट में इंक्लूड करें। जब आप H1 टैग ऑप्टिमाइज कर लें तो रिलेवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल अन्य हेडर्स में करें। इस मेथड को आप लगातार होने वाले कंटेंट टॉपिक्स पर अप्लाई करें और फिर देखें कि आपकी SEO रैंकिंग कैसे बेहतर हो जाती है। समय के साथ सर्च इंजन क्रॉलर्स को भी आपके वेबसाइट का कंटेंट समझ में आने लगेगा, और वो भी आपकी वेबसाइट को रेलेवेंट कंटेंट के लिए सही तरह से इंडेक्स करने लगेंगे। SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए URL स्ट्रक्चर का साफ सुथरा होना काफी जरूरी है। SEO इंजिन्स किसी वेबसाइट को क्रॉल एंड इंडेक्स करने के लिए उसके URL का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए URLs के SEO फ्रेंडली होने से ब्रॉड क्रॉलर्स को आपके हर वेब पेज पर मौजूद हर कंटेंट पीस को समझने में मदद मिलती है। इसीलिए एक SEO फ्रेंडली URL इजी टू रीड, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड पेज के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही उसमें टारगेट कीवर्ड्स भी इस्तेमाल होने चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। इस आर्टिकल में बात हो रही है SEO प्रैक्टिस के कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के बारे में, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका URL छोटा है, पढ़ने में आसान है और ये रिलेटेड टू इनिशियल इंटेंट है। लॉन्ग क्वेरी स्ट्रिंग्स जिसमें नंबर्स भी होते हैं जैसे कि ये, इनका इस्तेमाल ना करें। इससे URL को पढ़ना समझना बहुत कठिन हो जाता है एंड ये SEO फ्रेंडली नहीं रहता।
ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है जो क्लिकेबल होता है और यूजर्स को दूसरे वेब पेज या वेबसाइट के किसी दूसरे सेक्शन पर रीडायरेक्ट करते हैं। कंटेंट लिखते समय आपके मेन टॉपिक से जुड़े रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में सोचें। उसके बाद अपने हर एंकर टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट पर मौजूद अन्य रिलेवेंट कीवर्ड्स से लिंक करें। फॉर एग्जाम्पल, इस होस्टिंग ट्यूटोरियल आर्टिकल में हमारा सब्जेक्ट है SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाना। आप यहाँ ये एंकर टेक्स्ट को देख पा रहे हैं जो लिंक्ड है व्हाट इज SEO आर्टिकल से। याद रहे कि SEO फ्रेंडली एंकर टेक्स्ट हमेशा लिंक पेज से ही रिलेवेंट होना चाहिए। इस तरह सर्च इंजन्स को साफ साफ पता लगेगा कि आपका कंटेंट किस बारे में है। हालांकि बार बार वही एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल करना अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे कीवर्ड स्टफिंग माना जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट के SEO पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ग्लोबल वेबसाइट ट्रैफिक का लगभग 58% कंट्रीब्यूशन मोबाइल यूजर्स का रहता है। गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स का मानना है कि किसी वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस उसकी सर्च इंजन की रैंकिंग में जरूरी किरदार अदा करती है। इसलिए इंश्योर करना जरूरी है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस पर तेजी से लोड होती हो। साथ ही ये चेक करना ना भूलें कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन रिस्पॉन्सिव है, यानी वो आसानी से अलग अलग साइज के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और ये काफी अच्छी बात है कि वर्डप्रेस और दूसरे पॉपुलर वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स की ज्यादातर रेडी टू यूज थीम्स पहले से ही मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। और गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जैसे टूल्स इस्तेमाल कर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट आज के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। SEO के नजरिए से इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने से सर्च इंजन्स पर आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आपकी इमेजेस SEO फ्रेंडली हैं ये इंश्योर करने के लिए कई जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हर इमेज फाइल को आप एक उचित नाम दें जिसमें उस पिक्चर की इंटेंट से जुड़े कीवर्ड्स इंक्लूड हों। इससे सर्च इंजन को आपके इमेज के कंटेंट को पहचानने में मदद मिलती है और सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर आपकी विजिबिलिटी बेहतर बनती जाती है। दूसरी बात, इमेजेस को अपलोड करने से पहले हमेशा अपनी फाइल साइज को कम करें। फाइल साइज ज्यादा होने से आपका पेज धीरे धीरे लोड होगा। वर्डप्रेस यूजर्स मश या इव इमेज ऑप्टिमाइजर जैसे कैचिंग प्लगइन्स को एक्टिवेट कर अपनी इमेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हर इमेज के लिए ऑल टेक्स्ट जरूर ऐड करें। ये HTML आधारित टेक्स्ट होता है जो इमेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। इस इंफॉर्मेशन के इंक्लूड करने से सर्च इंजन को इमेज का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद मिलती है, जो SEO परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सर्च इंजन्स फास्ट लोड होने वाली वेबसाइट्स को प्रायोरिटाइजेशन देते हैं ताकि यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। वेबसाइट की स्लो लोडिंग स्पीड उसके SEO के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कमी आती है और सर्च इंजन्स को आपका कंटेंट क्रॉल करने में भी परेशानी होती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहले तो एक वेब होस्टिंग प्लान लें जिसमें ज्यादा बैंडविड्थ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप होस्टिंगर का बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान खरीदते हैं तो आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी और ये स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए काफी होती है। और सबसे अच्छी डील पाने के लिए 4 वर्ष का पेमेंट बंडल चुने और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए हमारा प्रोमो कोड H110 इस्तेमाल करें। अगली बात जो ध्यान रखनी है कि अपनी सारी इमेजेस और अन्य मीडिया फाइल्स को कंप्रेस करें। तीसरी बात, इमेजेस, वीडियोस और अन्य स्टैटिक कंटेंट को दुनिया भर में मल्टीपल सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या CND का इस्तेमाल करें। गूगल स्पेस स्पीड इंसाइट्स जैसे टूल्स के साथ आप चेक कर पाएंगे कि आपकी साइट्स उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रही है या नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कंटेंट प्रमोट करना सबसे अच्छी ऑफ पेज SEO प्रैक्टिस में से एक है। ऐसा करने से आपके कंटेंट की रीच बढ़ जाती है, जिससे बैक लिंक्स की संख्या भी संभावित रूप से बढ़ जाती है। सर्च इंजन इन बैक लिंक्स को इंडेक्स पर आपकी वेबसाइट के रैंकिंग फैक्टर के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी ज्यादा बैक लिंक्स आपकी वेबसाइट की रैंकिंग उतनी बेहतर। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने और अपने ब्रांड को अलग स्तर पर ले जाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज
नॉलेज और स्किल्स की भी जरूरत होती है। इसलिए अपने नीश को समझना और ये पता होना कि आपको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोकस करना चाहिए, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक ऐसे ट्रैफिक को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जो वाकई आपके वेबसाइट के लिए कीमती है। फॉर एग्जाम्पल, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम की बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म कुछ स्पेसिफिक कंटेंट के लिए काफी बेहतर है, जैसे फैशन और फूड के लिए। SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का दूसरा जरूरी एस्पेक्ट है उसके कोर मैट्रिक्स को एनालाइज करना। वेबसाइट ओनर्स को ये जानकारी कई एनालिटिकल टूल्स के थ्रू मिल सकती है, जैसे गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स। गूगल सर्च कंसोल दिखाता है कि गूगल सर्च पेजेस पर आपकी साइट की परफॉर्मेंस कैसी है। ये डेटा आपकी मदद कर सकता है ये समझने में कि गूगल आपके कंटेंट को किस तरह से दिखाता है और वो कौन सी क्वेरीज है जिनका इस्तेमाल करके लोग आपके कंटेंट तक पहुंचते हैं। ऐसे में आप देख पाते हैं कि आप कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं और समय के साथ इससे आपकी साइट की विजिबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होती है, और वो भी गूगल की गाइडलाइंस के अनुसार। हालांकि इसका संबंध डायरेक्टली SEO से नहीं है, गूगल एनालिटिक्स आपको अपनी साइट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरह के मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऐसे कौन से पेज है जिनका बाउंस रेट सबसे ज्यादा है। इससे आपको हाई बाउंस रेट का कारण पता करने में मदद मिलेगी और आप इस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर पाओगे। जैसे जैसे आपके वेबसाइट का आकार बढ़ता है, आपकी वेबसाइट के कोड के अस्त व्यस्त होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। ऐसा होने से रोकने के लिए समय समय पर अपने साइट के कोड को ऑर्गेनाइज करें और उसे साफ सुथरा बनाए रखें। इस प्रोसेस से सर्च इंजन्स को आपके कंटेंट इफेक्टिवली इंडेक्स करने और आपकी साइट अधिक तेजी से लोड करने में मदद मिलती है। वेबसाइट कोड अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने हो सकते हैं। HTML, CSS और JavaScript तीन सबसे कॉमन लेकिन इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी अच्छे वेब डेवलपर्स को पता होनी चाहिए। डर्टी मार्कअप, HTML क्लीनर और JS Beautifier जैसे टूल्स की मदद से आप अपने साइट के कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है अपने कंटेंट पीस में हाइपरलिंक्स ऐड करना। इसे इंटरनल लिंकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाइपरलिंक्स आप ही की वेबसाइट के अन्य पेजेस पर रिडायरेक्ट होती हैं। अपनी साइट के भीतर इंटरनल लिंक्स ऐड करने से इंटरलिंक्ड कंटेंट का जाल बन जाता है, जिससे सर्च इंजन्स पता लगा पाते हैं कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और हर पेज का क्या रेलेवेंस है। आप इंटरनल लिंक्स को टेक्स्ट, इमेजेस या बटन जैसे एलिमेंट से भी ऐड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपका कंटेंट पेज के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हो, ताकि इंडेक्सिंग प्रोसेस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो। सोच समझकर की गई इंटरनल लिंकिंग से आपके विजिटर्स को वेबसाइट नेविगेट करने में अधिक आसानी होती है, जिससे वेबसाइट के ओवरऑल बाउंस रेट में भी कमी आ सकती है और इससे आपकी वेबसाइट एंगेजमेंट में भी संभावित रूप से काफी बढ़त हो सकती है। इंटरनल लिंकिंग का प्रयोग एक हद तक ही करें। काफी ज्यादा इंटरनल लिंकिंग करने से आपकी साइट की दिखावट और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसके लिए आप इंटरनल लिंक जूसर, लिंक विस्पर जैसे टूल यूज कर सकते हैं और आप एक ऑप्टिमाइज तरीके से इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसे HTML एलिमेंट होते हैं जो किसी वेब पेज के कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं। टाइटल टैग्स वो क्लिकेबल हेडिंग्स होती हैं जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखाई देते हैं। मेटा टैग्स छोटा सा स्निपेट दिखता है जिसमें रीडर्स को ये पता चलता है कि इस पेज पर उन्हें क्या कंटेंट देखने मिलेगा। इस स्क्रीनशॉट में जो आपको नीले रंग में सेंटेंस दिख रहा है, ये है टाइटल टैग, और इसके नीचे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग लिखते समय उसमें फोकस कीवर्ड्स को जरूर इंक्लूड करें। आपका टाइटल टैग आपकी टारगेट ऑडियंस के सर्च इंटेंट से मेल खाता हो, ताकि आपका कंटेंट सही सर्च रिजल्ट्स में दिखाया जाए। टाइटल टैग्स की लंबाई 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में रखें। इससे इंश्योर होगा कि वो सर्च रिजल्ट्स में सही तरीके से दिखाई देंगे, जिससे रीडर्स को आकर्षित करने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी ओर मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ज्यादा स्पेस मिलता है पोटेंशियल रीडर्स के सामने अपना कंटेंट पेश करने के लिए। वैसे तो मेटा डिस्क्रिप्शन की लंबाई की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन याद रहे कि गूगल सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस अधिकतम 160 कैरेक्टर्स दिखाते हैं। हर
मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए और इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए एक अट्रैक्टिव कॉपी लिखने की कोशिश करें और देखें कि आपका कंटेंट रीडर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता हो। इमेजेस और वीडियोस जैसे विजुअल एलिमेंट्स आपके कंटेंट को संपन्न और ज्यादा अपीलिंग बनाते हैं। ग्राफ्स और चार्ट जैसे विजुअल्स की मदद से आप डेटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और रीडर्स के सामने अपना पॉइंट अच्छे से रख सकते हैं। साथ ही इमेजेस और वीडियोस ऐड करने से आपके कंटेंट के SEO पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मीडिया फाइल्स के इस्तेमाल से आपका कंटेंट गूगल सर्च रिजल्ट्स के इमेजेस और वीडियो टैब में दिखाई देने लगता है, जिससे लोगों की आपकी वेबसाइट पर आने की संभावना बढ़ जाती है। आपका कंटेंट रिच स्निपेट्स के तौर पे भी दिखाई दे सकता है, जिसमें ज्यादा जानकारी होती है और ये टॉप रिजल्ट्स में भी दिख सकता है। और याद रहे, हमेशा ऑप्टिमाइज इमेजेस और वीडियोस ही ऐड करें ताकि आपकी वेबसाइट तेजी से लोड होती रहे। रेगुलरली नया कंटेंट बनाना और पोस्ट करना SEO के नजरिए से एक काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। हालांकि हर रोज नए कंटेंट आइडियाज के बारे में सोचने और उन पर काम करने में काफी समय लगता है, ऐसे में आप अपना पुराना कंटेंट भी अपडेट करते रहें ताकि आपके वेबसाइट का SEO बेहतर होता चले। नया कंटेंट पोस्ट करने के बीच में पुराना कंटेंट अपडेट करने से मौजूदा विजिटर्स को बनाए रखने के साथ साथ नए विजिटर्स को अट्रैक्ट करने में भी मदद मिलती है। ध्यान रहे कि ऐसा कंटेंट बनाए जो करंट इश्यूज से रिलेटेड हो, जिससे आपकी टारगेट ऑडियंस की दिलचस्पी बनी रहेगी। केवल बेसिक SEO स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना काफी नहीं होता अगर आप अपने विजिटर्स को पूरी जानकारी प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए अच्छा कंटेंट लिखें जिसे पढ़ने से आपके ऑडियंस को फायदा हो। ऐसा करने से समय के साथ आपके ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती चली जाएगी। स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा वोकैबुलरी होती है जो सर्च इंजन्स को आपका कंटेंट समझाने में मदद करती है। अपनी वेबसाइट के कोड में स्कीमा मार्कअप ऐड करने से आप सर्च इंजन्स को संकेत दे पाते हैं कि आपके कंटेंट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपके साइट की विजिबिलिटी बढ़ाकर और रिच स्निपेट्स दिखाकर इससे आपकी साइट के SEO पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर आप स्कीमा मार्कअप के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है तो शायद आपने सर्च रिजल्ट्स के रिच स्निपेट्स देखे होंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स है रेटिंग, रिव्यूज, इवेंट डिटेल्स या फिर रेसिपीज। ये आपकी लिस्टिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के साथ साथ लोगों का उस पर क्लिक करने की संभावना को भी बढ़ाता है। वर्डप्रेस यूजर्स को ऑल इन वन SEO या फिर रैंक मैच जैसे प्लगइन से काफी फायदा होता है, जिनका इस्तेमाल स्कीमा मार्कअप लागू करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर स्कीमा मार्कअप लागू करने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन या बिल्ड इन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो स्कीमा मार्कअप का अधिकतम फायदा पाने के लिए आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं या किसी SEO स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। So, इस तरह 15 प्रूवन SEO टिप्स के साथ आप अपनी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छी टिप्स पता है या आपके कई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लेने के बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। और हाँ, जब भी आप hostinger.in पर कोई भी नया प्लान खरीदें तो डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड HI10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।